देखो आज मैं कॉलेज जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, तो चलो मम्मी को बता देता हूँ। हेलो मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। ठीक है बेटा, आराम से जाना। लो मेरे धन्नो भी तैयार है, तो चलो इससे चलता हूँ। आज तो कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के आएंगे, मजा आ जाएगा आज। अरे ये तो रोहन सोहन की बाइक लगती है, नई वाली। चलो छोड़ो यार, कॉलेज का टाइम हो रहा है। लो कॉलेज भी खत्म हो गया और मेरे को काफी जोरों से भूख लगी है, तो चलो मैं चलता हूँ घर की तरफ। यार ये बाइक वाले अभी भी नहीं गए लगता है यहाँ से। यार आज जब पापा ऑफिस से आएंगे तो मैं उनसे न्यू बाइक खरीदने के लिए बोलूंगा, मेरे सभी दोस्तों के पास है। अरे यार काफी ज्यादा आज देर हो गया, मम्मी घर पे वेट कर रही होगी। चलो तेज चलाता हूँ। भूसा बाइक है। वैसे ये अपने शहर में किसके पास आ गई, देखने में कितनी ज्यादा हार्ड लग रही है। पता नहीं यार मेरे पापा कब मेरे लिए बाइक लेंगे। अरे टिल्लू बेटा यहाँ क्या कर रहा है? अरे राकेश फिंटू, ये तुम्हारी बाइक है क्या? और क्या टिल्लू, इसके पापा ने इसको हायाभूसा गिफ्ट की है इसके बर्थडे पे। अरे भाई तू बता भी किसे रहा है, जिसके पापा इसके लिए एक बाइक भी नहीं खरीद सकते, साला अभी भी साइकिल से चलता है, स्कूल का बच्चा है। निकल यहाँ से, तेरी औकात के बाहर है, देखा मत कर। साले अमीर दोस्त लोग थोड़ा सा क्या बाइक मिल गया, अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। भी पहुंच गया। चलो मम्मी को पापा को बुलाकर आज उनसे बाइक के लिए पूछ लेता हूँ। मम्मी पापा बाहर निकलो। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है? अरे पापा मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है और नया बर्थडे भी है, तो गिफ्ट में मेरे को एक बाइक दिला दो ना। अरे सुनते हो जी, साहब जादे को बाइक चाहिए, नंबर तो इनके आते नहीं है, बाइक लेकर मार्केट में घूमेंगे। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, जाकर घर के अंदर पढ़ाई करो, इसके बारे में मेरे को दोबारा बात नहीं चाहिए। यार मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, जो मांगो मेरे को कुछ नहीं दिलाते हैं, मैं भी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा। यार मैं नहा धोकर तो रेडी हो गया हूँ, लेकिन मम्मी तो नीचे ही है, मैं बाहर कैसे जाऊँ? आइडिया, बालकनी से भाग जाता हूँ, क्योंकि आज मैं अपना बर्थडे इन लोगों के साथ नहीं सेलिब्रेट करूंगा। हाँ ये बढ़िया जगह है। चलो साइकिल लेकर भाग जाता हूँ घर से। अरे अरे टिल्लू बेटा रुको, हैप्पी बर्थडे। हाँ थैंक यू आंटी जी, चलता हूँ बाय। अरे संतोष यहाँ क्या? अरे चुप हो जा, जो साइकिल से चलता है मैं उससे बात नहीं करता। मेरे पापा मम्मी की वजह से सभी मेरे को ताना मारते हैं, मैं आज की बात कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। मैं पार्क के अंदर आ जाता हूँ और सुबह से शाम तक वहीं पर बैठा रहता हूँ, और सुबह से शाम हो जाती है, तभी मेरे पापा इतने सारे फोन कर रहे थे कि मैंने फोन उठा लिया। अरे बेटा सुबह से कहाँ है तू, जल्दी से तेरे फोन पे एक लोकेशन भेजा है, वहाँ पर आ जा, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और गिफ्ट का नाम सुनते मेरे से रहा नहीं गया और मैं अपने पापा के बताए हुए लोकेशन पे पहुँच गया। अरे बंटी बेटा पहुँच गया उस वाले शोरूम के पास, चलो मैं आता हूँ तब कुछ बताता हूँ तुम्हें। जिसके बाद मैं इस वाले शोरूम के पास पहुँच गया और उतर कर देखता हूँ, शोरूम है इतनी ज्यादा मस्त लग रही है यार, लेकिन ये अपनी किस्मत पे कहाँ। सरप्राइज बंटी, सरप्राइज बंटी बेटा। क्या मतलब? मतलब कि हम दोनों तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें एक हायाभूसा गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ। अरे टिल्लू बेटा हमने कल क्या मजाक किया, तुम तो सीरियस होकर घर ही छोड़ दिए। बल्कि हम दोनों तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन तुम थोड़ी ना समझोगे। अच्छा पापा सॉरी, लेकिन क्या मैं इस हायाभूसा की एक राइड लेकर आऊँ? हाँ बेटा तुम्हारे लिए ही तो खरीदी है, जाओ सीधा घर चले जाना, पेमेंट हम करके आते हैं। याहू, अब तक ये मेरी बेस्ट गिफ्ट है, मैं इसे संभाल के रखूंगा और अच्छे से पढ़ाई करूंगा, और साथ ही कॉलेज में मेरा कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा। बाकी मेरे भाई अगर तुम्हें वीडियो जरा से भी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर, बाकी मिलते हैं, बाय।